नमस्कार, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ डॉक्टर एम एस दुआ जी हैं। दुआ जी, आज आप जंतर मंतर पे ह्यूमन राइट्स के साथ बहुत सारी पब्लिक के साथ आए हुए थे, क्या है वो कारण? जी, आज मानवाधिकार दिवस है। प्रतिवर्ष पूरे विश्व में वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स डे मनाया जाता है। 31 वर्षों से ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन मनाती आई है मेरे नेतृत्व में। मैं डॉक्टर एम यू दुआ ऑल इंडिया ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन का ग्लोबल प्रेसिडेंट हूँ और यूनाइटेड नेशन का ग्लोबल पार्लियामेंटेरियन भी हूँ। मेरे 35 राज्यों में ह्यूमन राइट्स के इकाइयाँ यूनिट्स हैं, 662 सेंटर्स पे काम कर रहे हैं और लक्षद्वीप सिर्फ छूटा हुआ जो मार्च में पूरा करेंगे, 36 स्टेट हो जाएगा। और इसके साथ साथ 13 देशों में हम लोग काम कर रहे हैं। मैं इंटरनेशनल बार एसोसिएशन लंदन, अमेरिकन बार एसोसिएशन सभी से एसोसिएट है। भारत सरकार के नालसा से हम लोग जुड़े हुए हैं, लीगल पे काम करते हैं, संवैधानिक काम करते हैं। पिछले 31 वर्षों का अनुभव हमें ये बताता है कि हमारे इस मंच पे सुन रहा था कि आपने एक पार्टी भी लॉन्च कर रहे हैं, तो वो पार्टी के बारे में बताएं, क्या नाम है पार्टी का और इस पार्टी के क्या क्या उद्देश्य रहेंगे वो भी बताएं। जी, आज समाज के जो हालात हैं उस हालात को देखते हुए, जो पार्टियां हमारे 2300 से ज़्यादा पार्टियां हैं उनके हरकतों को देखते हुए, हमने और हमारी टीम ने ये महसूस किया कि अब हमें पार्लियामेंट के अंदर जाना होगा, जो गंदगियां फैला रखे हैं उन गंदगियों को साफ़ करने के लिए उस पार्लियामेंट के अंदर घुसना पड़ेगा। इसलिए अहरा नेशनल पार्टी हमने लॉन्च किया। 2009 में ये रजिस्टर्ड हो गया था लेकिन हमने उस पर आगे काम नहीं ज़्यादा किया। लेकिन 2009 में हम लोग 543 सीट पे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के लिए नॉमिनेट लोगों को कराएंगे और संस्था और बाकी साथियों के साथ हम अपने लोगों को 10-10 लाख रुपए का सपोर्ट भी करेंगे और बाकी हम थोड़े से और फंड इकट्ठे करके हम उन्हें जिताने की कोशिश करेंगे। हमारा मुद्दा होगा मानवाधिकार, हमारा मुद्दा होगा मानवीय, हमारा मुद्दा होगा इंसानियत, हमारा मुद्दा होगा प्यार, शांति और सद्भावना, गंगा जमुनी की तहजीब और साझी संस्कृतियों को बचाना, सेकुलर को बचाना। आज जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी आज नेतागिरी कर रहे हैं, वो उनकी मुद्दा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई का होता है, धर्म का होता है, मंदिर मस्जिद का होता है, ऊंच नीच का होता है, तो वो बांटने की बात करते हैं, जोड़ने की बात नहीं करते। हमारी अहरा हमेशा जोड़ने की बात किया है, उस पर सिद्धांत पे काम किया है। पार्टी है 2019 में इलेक्शन भी लड़ेगी। 2019 में 543 सीटों पर हम लोग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी का कैंडिडेट खड़ा करने जा रहे हैं। हो सकता है कि उसमें 2-4 कम हो जाए लेकिन मैक्सिमम हमारी कोशिश होगी खड़ा करें कि चूँकि हमारे हर जगह प्रतिनिधि लोग हैं, हमारे मेंबर्स हैं और साथ में हम बाकी और लोगों को जो ग्रेजुएट हैं या पढ़े लिखे समझदार लोग हैं जो अच्छे स्वस्थ भारत को विकास करने की तरफ जाते हैं, समाज और देश के हित में काम करने की बात करते हैं, उनको हम संगठित करके 2019 जो मार्च में नॉमिनेशन होगा उसमें अवश्य हम लोग उतरने जा रहे हैं।